सो बिल्कुल भगवंत मान कैबिनेट के 10 मंत्रियों की अज ताजपोशी भी हुई है। चंडीगढ़ के राजभवन के सहु चुक समागम से उत्थे दस दिए कि सब तो पहला हरपाल सिंह चीमा के वलों जिथे कि मंत्री अहुदे का हल्फ लिया गया, उस अलावा बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, डॉक्टर विजय सिंगला, लालचंद कटारू चक, मीत हेयर, लालजी सिंह भुल्लर, कुलदीप सिंह धालीवाल, ब्रह्म शंकर जिंपा और हरजोत पैंस ने भी मंत्री वजो सहु चुकी। जिस तरह पहला ही दस्या कि मालवे दे विचों पांच, माझे चो चार, ते दुआबे चो एक एमएलए जो है वह मंत्री बनया है। तो मान कैबिनेट दे विच एक महिला मंत्री नूं भी शामिल किया गया है। यह तस्वीर उस वक्त ही देख पा रहे हो जदों कि राजपाल दे वल्लों सहुं चुकाएगी ते नाल ही दस मंत्रियां दस विधायकों के वलों मंत्री पद की सहुं जो है वह चुकी गई। मैं हरपाल सिंह चीमा ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखागा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखागा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजो अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अहंतकरण निभावगा अते मैं पै जा पक्षपात स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं हरपाल सिंह चीमा ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिया जाएगा जा मैनू ज्ञात होवेगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों नू सवाए उसदे के अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़िंदा होवे मैं सीधे या असिधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। धन्यवाद जी। मैं गुरमीत सिंह मीत हेयर ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखागा कि मैं भारत की प्रभुता अखंडता बरकरार रखागा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों वफादारी शुद्ध अंतकरण निभावगा मैं भै जा पक्षपात स्नेह जा दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं गुरमीत सिंह मीथेयर ईश्वर की सहु चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे ध्यान विच मेरे विचार अधीन लिया जाएगा तो मैनू ज्ञान होवेगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सिवाए उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाने अजिहा करना लोड़ीदा होवे मैं सीधे जा सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा।